प्रभु को सजादाबाद पर प्रार्थना करो पेश करो पेश करो सजादाबाद पर प्रार्थना करो पेश करो सजादाबाद पर प्रार्थना करो पेश करो पेश करो पेश करो हम क्या जाके ईसा का ख्याल करो हम क्या जाके ईसा मेरा नाम रूप मोहम्मद भट्ट है। मेरा भाई का कत्ल हुआ है 28 तारीख को, जुम्मा का दिन था। सुबह 5:06 मेरी बाबी ने फ़ोन किया, आप इधर आ जाओ, भाई को कुछ हुआ है, ये बात नहीं कर रहा है। मैंने अपनी मम्मी को साथ में उठाया और गए, वो डेरे पे था, कमरे में था अकेला वो। जब हम वहाँ पहुँचे, मेन गेट खुला था और कमरे का दरवाज़ा बंद था। जब मैंने खटखटाया दरवाज़ा, उसने दरवाज़ा खोला, मेरा भाई बेड के नीचे पड़ा हुआ था, वो मर चुका था। जब मैंने अपनी भाभी से पूछा, किसी को आवाज़ देनी थी, हमसाये को बुलाना था, पड़ोसी को बुलाना था, उसने कहा, मैं डर गई, मैंने किसी को फ़ोन भी नहीं किया, खाली मुझे ये फ़ोन किया उसने। और जब मैं वो कह रही थी, जब मैं उठी और आपके भाई फैन के साथ लटका हुआ था, मगर ना उसको उसने मार दिया था, और कोई भी होगा उसके साथ, अकेले वो नहीं कर सकती है, क्योंकि मेरे भाई के सर पर भी निशान था और पैर पे भी निशान था, रगड़ का निशान था। पुलिस के पास भी हमने फ़ोन किया, सचिव साहब भी आया वहाँ, उसने डेड बॉडी उठाई, पोस्टमार्टम भी किया उनको, अभी तक रिपोर्ट भी नहीं आई पोस्टमार्टम का। 20 दिन हो गए, आज 20वां दिन है, अभी तक रिपोर्ट खाली SHO साहब बोल रहा है, हम FIR हो गया है उसका, FIR लॉन्च भी हो गया है उसका, उसकी कॉपी भी मेरे पास है, FIR कॉपी भी। क्या कुछ आपको लगता है कि उसको मारा जी? क्या पता, उसकी बीबी कह रही है वो फैन से अड़का हुआ था, मगर उसके सर पर भी निशान था और गले में भी फंदे का निशान था। अब आप क्या चाहते? हम चाहते हैं इंसाफ, कातिल को सख्त से सजा मिलना चाहिए, उसकी बीबी भी बंद है, वो मैंने थाना है ना रामबाग में, वहाँ भी बंद है, मगर वो ऐसी बंद है, कोई पूछताछ ही नहीं चल रही है उसकी, खाली बेड पे है वो वहाँ पे, और वो लड़का इसका यार भी बंद है, उसका भी कोई पूछताछ नहीं हो रही है वहाँ थाने में, चार रहा थाने में, खाली बैठे हैं वहाँ, बोल रहे खाली रिपोर्ट को आने दो, रिपोर्ट को आने दो, कब तक बढ़ो? आज 20वां दिन है,